हेलो एवरीवन, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल ये है चाहते से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि नित्या अपने डर को एक्सप्रेस करेगी पकड़े जाने के शर्मा के सामने। यहाँ पर वो कहती नजर आएगी कि जो काशवी की क्यूरोसिटी है वो हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है, इससे पहले वो और कुछ तमाशा करे हमें कंट्रोल करना होगा। ये सुनकर के शर्मा कहता है काशवी से कि हाँ, उसे डाउट अरुणा पर है ना, तो क्यों ना हम सूरज और पंकज को काशवी के रास्ते में डाल दें। दूसरी तरफ प्रद्युम्न यहाँ पर स्टीम बात ले रहा होगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और जिसकी वजह से वो रूम में फंस जाएगा। वो पैनिक करेगा और हेल्प के लिए बुलाएगा। वो सोचेगा कि कहीं वो जल ना जाए किसी भी वक्त, और इसीलिए इंटेंस स्टीम हो रही है और वो खांसने लगता है और वो बेहोश होने ही वाला होता है कि अचानक से महिमा आती है, दरवाज़ा खोलती है और प्रद्युम्न को बचा लेती है। तभी दिखाया जाएगा कि शर्मा जानकर सूरज और पंकज को डराएगा और कहेगा कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे यहाँ पर काशवी के सामने इंसल्टेड फील करते हो, और उसने तो तुम्हारी माँ की भी इंसल्ट की थी। शर्मा कहता है दोनों भाइयों से कि क्यों ना तुम उससे बदला लो इससे पहले कि काशवी तुम्हारी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दे और तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दे। मीनवाइल डॉक्टर पहुँचते हैं और वो प्रद्युम्न को चेक करते हैं और उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। तभी प्रद्युम्न के सामने डॉक्टर तारीफ करते हैं महिमा की और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से क्विकली रिस्पॉन्ड किया और इनको सही टाइम पर बचा लिया। बाद में प्रद्युम्न महिमा को थैंक्स कहता है और कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला तुम यहाँ क्या कर रही थी, तुम तो हमेशा रिसेप्शन पर रहती हो। महिमा कहती है कि दरअसल मैं तुमसे आखिरी बार माफ़ी मांगने आई थी, तभी मुझे पता चला कि तुम अंदर फंसे चुके हो और इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि अभी भी तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। प्रद्युम्न यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और वो कहता है कि अब हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। महिमा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम ड्रेस करो। जाते जाते महिमा स्माइल करती है और कहती है कि कैसे मैंने प्रद्युम्न तुमको अपने जाल में फंसाया, और बहुत जल्द मैं तुम्हें दोबारा शादी के जाल में भी फंसा लूँगी और फिर मैं तुम्हारे पैसों पर राज करूँगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काशवी नित्या से कहती है कि क्या आपने पुलिस कमिश्नर से बात की। नित्या कहती है कि कमिश्नर जी दो दिन के लिए वेकेशन पर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। नित्या तभी कहती है कि ये फैमिली का मैटर है काशवी, इसीलिए तुम्हें बहुत ही केयरफुली सबके रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए ये कुछ करना होगा और तुम्हें दो दिन वेट करना होगा। काशवी अपने रूम में जाती है। अर्जुन उसे कॉल करता है और कहता है कि आओ हम असाइनमेंट साथ में सॉल्व करते हैं, लेकिन काशवी मना कर देती है। वो कहती है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अर्जुन बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वेट किया और तुमने पहले ही कर दिया। और वो काशवी का ये जो नोटिसिंग बिहेवियर है वो नोटिस करता है, उसे बहुत अजीब लगता है। काशवी यहाँ पर अपने हाथ से कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना जिसकी वजह से तुम्हें पेन होता है और तुम सो नहीं पाते। अर्जुन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो सोचता है कि मैं काशवी की फीलिंग्स की केयर नहीं करता, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सो जाता है। बाद में पंकज का कॉल आता है काशवी को एक अननोन नंबर से। वो कहता है कि अगर आप जानना चाहती हैं मैडम जी का असली चेहरा क्या है तो आइए मुझसे मिलिए। काशवी पैनिक होती है और सोचती है कि आखिर किसने इतनी रात को कॉल किया होगा और कौन हो सकता है वो आदमी। वो अर्जुन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अर्जुन की बातें सुनकर कि वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और वो उस इंसान से मिलने जाती है। इधर काशवी पहुँचती है एक पुराने से घर में और बहुत ही सुनसान सड़क पर। तभी वो नित्या को कॉल करती है इन्फॉर्म करने के लिए कि वो कहाँ हैं, लेकिन नित्या कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो नित्या को एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा देती है, और वो कहती है कि मैं अब आगे अंदर जा रही हूँ। तभी जैसे ही वो अंदर घुसती है उसे सूरज और पंकज घुसते हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि आज हम तुझे सबक सिखाएंगे। काशवी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज और पंकज के दोस्त आकर के काशवी को बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं और उसके दोनों हाथ बांध देते हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अब काशवी भला कैसे बचने वाली है सूरज और उसके दोस्तों के चंगुल से। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।